नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो क्वांटम मैकेनिक्स का जो प्रॉब्लम विद्यार्थी मित्रों वो लेंगे कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो चलिए देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स का जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं विद्यार्थी मित्रों। तो मैंने ब्लैक बोर्ड पे वो प्रॉब्लम राइट किया है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो देखिए चलिए कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। तो लेट्स सपोज इफ एक्स एंड वाई, x और y, i is cross i there, मतलब i is nothing but a unit vector, then x की वैल्यू और y की वैल्यू दी हुई है मित्रों, और जो x1 y1 है मतलब phi1 and phi2 वो क्या है z into i, मतलब z into i, then ये जो ऑप्शन है उसमें कौन सा आंसर राइट हो रहा है मित्रों। तो चलिए देखते कि विच वन ऑप्शन इज करेक्ट फॉर अ गिवन क्वेश्चन। तो हाउ टू सॉल्व द होल क्वेश्चन। लेट्स सपोज मान लीजिए कि एक्स वाई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस आई दिया है, बराबर। आपको पता है, आपको क्या पता है एक्स की वैल्यू क्या है, अल्फा वन वन फाइव वन प्लस अल्फा वन टू फाइव टू, अल्फा टू वन फाइव वन प्लस अल्फा टू टू फाइव टू, ये सब यूनिट वेक्टर है इज इक्वल टू आई एच क्रॉस आई, बराबर ये आएगा। अब इसमें ये जो है वो पॉइजन ब्रैकेट है, सॉरी कम्यूटेटर ब्रैकेट। तो कैसे सॉल्व करते देखते, अल्फा वन वन अल्फा टू वन फाइव वन फाइव फाइव वन आएगा, बराबर बराबर। इसमें क्या होगा अल्फा वन वन अल्फा टू टू बराबर फाइव वन फाइव टू फाइव वन फाइव टू बराबर। इसमें क्या होगा ये दो हो गए, मतलब अल्फा वन टू अल्फा वन टू अल्फा टू वन फाइव टू फाइव वन आएगा, बराबर। इसमें क्या होगा, इसमें अल्फा वन टू और अल्फा टू टू, मतलब अल्फा वन टू अल्फा टू टू फाइव टू फाइव इज इक्वल टू आई एच क्रॉस आई, बराबर विद्यार्थी मित्रों। मतलब मैंने ये सॉल्व कर लिया कि ये टर्म कैसे आएगी। तो बोथ प्रॉपर्टी बोथ फैक्टर्स आर सेम देन पॉइजन ब्रैकेट एल एस बी सॉरी कम्यूटेटर ब्रैकेट एल एस बी जीरो आएगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा जीरो प्लस इसका वन वन अल्फा टू टू फाइव वन फाइव टू क्या दिया है जेड इंटू आई आएगा प्लस फाइव वन अल्फा वन फाइव टू फाइव वन, मतलब माइनस हो रहा है मित्रों ये माइनस अल्फा वन टू अल्फा टू वन जेड इंटू आई, ये आंसर एलएस भी जीरो होगा, मतलब एच क्रॉस आई आई एच क्रॉस बराबर ही जीरो होगा, मतलब ही में डायरेक्टली निगलेक्ट कर देता हूँ, मतलब ये हो गया। इसमें क्या होगा कॉमन निकलेगा, मतलब जेड इंटू आई अल्फा वन वन अल्फा टू टू अल्फा वन टू अल्फा टू वन आई स्क्रॉस आई आएगा, मतलब यही आया है कैंसिल होगा। इसमें क्या होगा अल्फा वन वन अल्फा टू टू माइनस अल्फा वन टू अल्फा टू वन इज इक्वल टू आई स्क्रॉस जेड आएगा, इट इज अ करेक्ट आंसर फॉर गिवन प्रॉब्लम दिया है मित्रों। मतलब हे जो क्वेश्चन का आंसर है आई एच क्रॉस अपॉन जेड आएगा, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन वन इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन वन क्या है करेक्ट आंसर है। तो मैंने हे प्रॉब्लम पूरा सॉल्व कर दिया कि हाउ टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। तो आप फिर से देखिए कैसे सॉल्व किया है यूजिंग कम्यूटेटर प्रॉपर्टीज, और कम्यूटेटर प्रॉपर्टीज का यूज करके मैंने सॉल्व किया है। तो आज का वीडियो यही पे था विद्यार्थी मित्रों, एक प्रॉब्लम पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए विद्यार्थी मित्रों, धन्यवाद।